पटल पे इस लड़ाई को लड़ेंगे। इनके खिलाफ जो षड्यंत्र होंगे उनका भी मुंह तोड़ जवाब हम लोग देने का काम करेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग, सब लोग, सम्मानित हर जाति धर्म के पार्षद, पूर्व पार्षद यहाँ हैं, जिनको चिंता है कि मेरठ में जिस उम्मीदों से लोगों ने इनको वोट दिया, ये उनके काम कराने में सफल हो पाए, जिससे कि भविष्य में इनको अवसर मिले और ये आगे बढ़े। अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर इनके इनका जो लाभ है इनको चुनने का, वो जनता को नहीं मिलेगा। और बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि कमजोर वर्गों की बस्तियों में विकास हो, उनके लिए कोई प्रस्ताव आए। जब ये अपने हकों की बात करेंगे तो उनको इस अन्याय का सामना करना पड़ेगा। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस लड़ाई को हम लोग जीत जाएंगे आप सबके सहयोग से। और ये जो संविधान है भारत का, इस संविधान में जो अवसर और अधिकार हमें मिले, न्याय का जो अधिकार हमें मिला, उसके उसके ताकत से हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएंगे। और मैं जिम्मेदार साथियों से कहूंगा, जो भी यहाँ के जिम्मेदार साथी हैं, क्योंकि मैं तो अचानक से आ गया, लेकिन इस लड़ाई को जो लोग पहले से लड़ रहे थे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। इसलिए रखें, मैं सबसे पहले भाई कीर्ति से बात कहूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत भावुक दिख रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत, वो पीड़ा ऐसा नहीं है, मुझे इस बात का कष्ट है कि कल सत्ता के नशे में, दबन के में, अहंकार में उन्होंने जो अपमान आपका किया, वो आपका नहीं है, वो पूरे कमजोर वर्ग का अपमान है। मैं आपकी भावुकता को समझता हूं, मैं आपसे विश्वास दिला कहता हूं, आखिरी सांस तक हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप हिम्मत बना के रखो, अगर पुलिस के जरिए आपका दमन करने का प्रयास किया जाएगा तो नहीं, ये भावुकता ठीक नहीं, तुम बहादुर योद्धा हो। कल वो बड़ी संख्या में थे, उनके पास ताकत थी, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने काम किया, इससे मत घबराओ। क्रांतिकारियों के इससे बड़े बड़े दुख सहने पड़े। छोटे भाई आप याद करो ना, गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार बच्चों का बलिदान, माँ गुजरी का बलिदान आप याद करो। आप ऐसे 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 जो है, अगर कमजोर पड़ जाओगे इससे हमें तकलीफ होगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ा भाई होने के नाते, कि आप हिम्मत ना हारो, आप अपनी बात रखो। कल आपके साथ क्या हुआ और आप, आपके साथ जो भी शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, आप रखो, हम सब लोग आपके साथ खड़े। आपके आंसुओं की कीमत जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट से हमारे लोग देंगे, लेकिन अभी हम लोग 10 तारीख की पंचायत में भी अपनी ताकत दिखाने काम करें, हम बताने काम करेंगे। हम यहाँ मुर्दा नहीं है, हम जिंदा लोग। हमने, मैंने कहा ना, राजस्थान में हमने करके दिखाया कि जिन लोगों ने दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे अत्याचार किए, बहन बेटियों पे अत्याचार किए, ऐसे लोगों को हमने सदन में नहीं घुसने दिया वहां। हम यहाँ भी इस बात का इंतजाम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा अहंकारी व्यक्ति, ऐसा दमन करने वाला व्यक्ति कोई ना बचे। लो अपनी बात रखो।